तेरी बाहों का घेरा उज लगे है बड़ी ये। सो गाइस, इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इससे पहले आपको काइन मास्टर का 9.16 का फ्रेम सेलेक्ट करना होगा। अब आपको मीडिया में जाना है और यहाँ पर आपको कुछ इमेज को ऐड करना है, जो कि आप मैंने एनिवर्सरी के वीडियो एडिटिंग के इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है। जो आपकी एनिवर्सरी के इमेज है, उन इमेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो, अभी मैं यहाँ पर कुछ इमेज को ऐड कर रहा हूँ। आपके कम से कम 10 से 12 इमेज ऐड कर लेने हैं अच्छा वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो गाइज देखिए, इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं बहुत ही इजी स्टेप में आपको समझाने वाला हूँ। और गाइज इसके बाद हमको यहाँ पर बीच में मिलता है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन में आपको देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं, बट आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है वो है पंच इट। तो इस ट्रांजिशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको गेट मोर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो पंच इट को फ्री में। अब देखिए यहाँ से मैंने सारे ट्रांजिशन को ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्रांजिशन को डाउनलोड करके रखा है। आपको इन ट्रांजिशन को यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आपको पंचिट ट्रांजिशन यूज़ करना है, क्योंकि मैंने जो पूरा वीडियो बनाया है वो पंचिट ट्रांजिशन पे ही बेस है। एंड गाइस देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिशन काफ़ी अमेजिंग ट्रांजिशन है, तो इस ट्रांजिशन को यूज़ करके बहुत अमेजिंग वीडियो बनता है। अब आपको आना है लाइट ग्लो में। अब आपको इनमें क्लिप ग्राफिक इमेज को ऐड करना है। इन पे इमेज पे क्लिक करके देखिए गाइस, ये क्लिप ग्राफिक इमेज यहाँ से मैंने भी डाउनलोड करके रखा है, आप भी इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब फिर से हम लाइट ग्लो का एक इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लाइट ग्लो क्लिप ग्राफिक इमेज में जाकर देखिए गाइस, इसको भी यहाँ से हमने कुछ इस तरह से ऐड कर लिया, तो ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है हमारा। थर्ड वाले लास्ट वाले में भी गाइस आपको यही करना है, लाइट ग्लो पे जाके और यहाँ पर लाइट स्लाइडर का ट्रांजिशन को यूज़ कर देना है। अब गाइस आपका इतना काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, देखिए आपको लेयर पर जाना है और हैंड राइटिंग पर आपको क्लिक करना है। हैंड राइटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इसके कलर को चेंज करना है। पहले इस कलर को करना है आपको वाइट। अब राइट पे क्लिक करके आपको तीर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये फ्रेम वाला आइकन ले लेना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। अब इस बॉक्स को आपने अच्छे से एडजस्ट करके इस वीडियो के चारों ओर रख लेना है। चाहो तो आप मेरे लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये फ्रेम ही आपको मिल जाएगा। अब आपको म्यूज़िक पे जाके गाने को ऐड कर देना है। जो भी आपका सॉन्ग है उस सॉन्ग को यहाँ पर ऐड कर सकते हो अब बहुत इजीली। देखिए गाइज ये मैंने सॉन्ग है और ये मेरे सॉन्ग को मैंने एडिट कर लिया है गाइज। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर आपको सॉन्ग को नहीं सुना सकता, वरना गाइज मुझको कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ सकता है। बहुत इजीली आप इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी और एडिटिंग पे ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं वहाँ पर भी एक अच्छा एडिटिंग ट्यूटोरियल बना दूंगा। उससे पहले यार चैनल पर नए हो तो देखो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर।